नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं दीपक सिंह और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी घास जो एक बार लगाने के बाद सालों साल चलती रहती है। जो किसान भाई पशुपालन करते हैं या अधिक पशु पालने का शौक रखते हैं, उनको सबसे बड़ी समस्या हरे चारे को लेकर आती है। हरा चारा हर सीजन में उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने एक ऐसी घास का निर्माण किया है जो एक बार लगाने के बाद कई सालों तक कटाई देती रहती है। इस घास का नाम संपूर्णा घास या हाथी घास भी, इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। संपूर्णा घास इसलिए क्योंकि इसमें बहुत प्रकार के प्रोटीन और फाइबर्स पाए जाते हैं। इस घास में लगभग 12% प्रोटीन पाया जाता है। इसको खिलाने के बाद पशु दूध में भी ज़्यादा बढ़ जाता है। कई पशुपालक ये भी कहते हैं कि इस घास को खिलाने के बाद हम जो पशु को फीड देते हैं उसको आधा करने के बाद भी पशु के दूध उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई वैज्ञानिक शोध के बाद इस घास को सर्वश्रेष्ठ घास का दर्जा दिया गया है और ये घास आज पूरे भारत में हर क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ये घास मैंने एक साल पहले मेरे खेत पे लगाई थी। साल नहीं हुआ है, 7-8 महीने हुए हैं, जो लगभग आधे बीघे के आसपास लगाई हुई है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट और बहुत ही अच्छी कटाई देती है। इसको लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। इसकी एक एक स्टिक लगाई जाती है जिसको आँख भी कहते हैं। जो तने में से आँख निकलती है उस एक एक आँख को लगभग 1.5 या 2 फीट की दूरी पर लगाई जाती है। ये जो इसकी आँखें हैं इसको 1.5 या 2 फीट की दूरी पर एक एक करके लगाई जाती है। लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। मैं इसकी रोपाई कैसे करते हैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा और इसको खेत में लगा कर बताऊँगा। ये घास पहली कटाई लगभग 60 दिन के आसपास देती है और उसके बाद निरंतर 45 दिन के आसपास कटाई आती रहती है। ये घास ठंड के दिनों में थोड़ा कम कटाई देती है, लगभग 2 कटाई के आसपास मिल जाती है, पर गर्मी के दिनों में अच्छी कटाई मिलती है, 3 से 4 कटाई आसानी से मिल जाती है। इसकी एक आँख या एक तने में से लगभग 20 से 25 तने निकलते हैं। जिन किसान भाइयों के पास पशु कम हैं वो इसको सिर्फ खेत के मेड़ पर ही लगा देंगे तो अच्छा उत्पादन प्राप्त कर लेंगे। इसको किसी भी ज़मीन में लगा देंगे तो भी यह बहुत शानदार ग्रोथ करेगी। ये घास गन्ना, संकर ज्वार, मक्का का क्रॉस है, इसलिए इसके तने में से रस निकलता है जिसके कारण पशु इसको बहुत ही चाव से खाते हैं। इसको 1 बीघे में लगाकर 10 पशुओं को आप भरपूर हरा चारा खिला सकते हैं। इसकी क्वालिटी और हाइट को आप देख सकते हैं, ये लगभग 8 से 10 फीट तक बड़ी होती है। हाइट इसकी 8 से 10 फीट तक होती है। किसान भाइयों, हर एक पशुपालक को इस घास को ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि इसका नाम ही संपूर्णा घास है और संपूर्ण पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। इसकी क्वालिटी और हाइट आप देख सकते हैं। इसको आप पशु को डायरेक्ट भी खिला सकते हैं। कुट्टी मशीन में अगर कुट्टी करके इसको खिलाते हैं तब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा क्योंकि इसके तने में से बहुत ज़्यादा पोषक तत्व निकलते हैं और आमतौर पर इसका तना बहुत ज़्यादा मोटा होता है और पशु इसको आसानी से नहीं खाते हैं। पर कुट्टी मशीन से अगर इसकी कुट्टी करते हैं तब बहुत ही ज़्यादा फायदा मिल सकता है। मैं आगे एक और वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें इसकी कटाई करके कुट्टी मशीन से इसकी कुट्टी करके पशु को खिलाकर बताऊँगा। ये घास वैसे तो सालों साल चलती रहती है परंतु इसमें 5 से 8 साल के बाद पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, इसलिए इसको बोला जाता है कि ये 5 से 8 साल तक चलती है। वैसे ये सालों साल चलती रहती है। किसान भाइयों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जानकारी वीडियो
में आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।